लेकिन ये 10 बजे देखना है और 10 बजे मार्किंग करनी है एग्जैक्ट जब 10 बजे की कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद ये पोजीशन हमको परेशान कर दिया होता और हम वो ट्रेडिंग खुजली वाली जो बात होती है ना अब ढाई बज गए ट्रेड आएगा तो भी तीन बज रहे हैं मैं नहीं करूँगी आए या ना आए नहीं करूँ खत्म देखो नहीं दिया ना ट्रेड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्क्रीन रीडिंग जो हम लोग किया करते थे ये तो अभी चार्ट के फॉर्म में आ गया तो ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ये तो एज इट इज है एकदम क्लियर कट ट्रेड था और पैसा दे के गया अरे कितनी बार तो उन्होंने खुद ही मेरे को ऐसे टपली मार मार के सिखाया है पता है कि क्या कर रही है ज्योति डिसिप्लिन इज और डिसिप्लिन नमस्ते फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है इंट्राडे और मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको सिर्फ प्राइस एक्शन पे चाहिए ना इंडिकेटर ना ऑसिलेटर ना फिबोनाकी ना रिट्रेसमेंट ना आरएसआई ना मूविंग एवरेज कुछ नहीं तो चलिए आज हम उसी टॉपिक पे एक इंट्राडे वर्किंग करते हैं इंट्राडे के कुछ सर्टेन डिसिप्लिन होते हैं और वो डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिसमें सबसे पहला है स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस सिस्टम में रहेगा न कि दिमाग में हिट तो हिट और अगर ये स्टॉप लॉस दिन में दो बार हिट हो जाता है तो तीसरा ट्रेड हम नहीं लेते ये एक रूल है दूसरा अगर हमें प्रॉफिट्स हो रही है तो एक सर्टेन प्रॉफिट होने के बाद हम क्वांटिटी आधी कर देंगे आधी की आधी कर देंगे बट कोशिश करेंगे कि आज का आया हुआ प्रॉफिट्स वापस नहीं जाए कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें दो तीन घंटे में या एक डेढ़ घंटे में काम पूरा हो जाता है कोई बात नहीं बाकी का टाइम मार्केट देखते रहिए ट्रेड करना जरूरी है पैसा आ गया ना चुप चाप बैठ के ट्रेड देखने का मजा लेने का आज का पॉकेट भर गया बस क्यों कि जबरदस्ती हम फिर से ट्रेड करते हैं ना जिसको कहते हैं ट्रेडिंग खुजली वो अगर हो जाती है ना तो आपका पैसा किसी और का पैसा हो जाता है पता है ना और मैं कई बार ऐसा कहती हूँ कि आज का मेरा काम हो गया या मार्केट मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बाहर रह के मज़े ले सकती हूँ मार्केट के नहीं तो अगर मेरी पोजीशन हुई तो मार्केट मेरे मजे लेगा मैं टेंशन में रहूँगी तो इंट्राडे के अंदर मैं आपको जो रूल बताऊँगी और जिस तरह से कैलकुलेशन बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीका है और इसे फॉलो करना है टाइमिंग बहुत मैटर करती है स्टॉप लॉसेस बहुत मैटर करते हैं ये दो चीज़ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और उससे भी बड़ा कंट्रोल चाहे आप कितना भी राइट हो जाए चाहे आपके सौ में से सौ ट्रेड राइट हो जाए जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन चलो आप बहुत ही लकी हो गए तो सौ में सौ राइट हो गए फिर भी अपनी क्वांटिटी को लिमिट में ही रखना एक क्वांटिटी या एक लॉट से स्टार्ट करना सर्टन रिस्क लेना उससे ज्यादा नहीं मैं आपको सिखाऊंगी कैश बेसिस पे ये है कैश बेसिस स्पॉट बेसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी उसके ऊपर आप ऑप्शन करिए फ्यूचर्स करिए जो आपको ठीक लगे मैं वो नहीं बताऊंगी इसके बेसिस पे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए या ऑप्शंस में चॉइस इज योर्स सिस्टम वही रहेगा ओके okay? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ आज की तारीख में मार्केट नाइन फिफ्टीन टू थ्री थर्टी ही है अगर आगे चल के ये चेंज होगा तो टाइमिंग्स मॉडिफाई करनी पड़ेगी बिकॉज इंट्राडे में मेरे लिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंट्राडे की पोजिशन इंट्राडे में कट होनी ही चाहिए वो एक सिस्टम बनाइएगा इसमें लालच है ग्रीड फियर जिसे हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है फोमो है ऐसा कुछ नहीं है या लाना नहीं है एक डिसिप्लिन है एक सिस्टम है बस इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है एज सिंपल एज दैट नथिंग लाइक दैट ओके तो हम क्या करते हैं टेन ए एम चार्ट हम देखते हैं फाइव मिनट्स का इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है ना मूविंग एवरेज है ना आर एस आई है ना बुल्ड है कुछ नहीं है इट इज सिंपल प्योर कैंडल स्टिक्स ना वॉल्यूम है कुछ नहीं है ओनली प्राइस एक्शन जी बिल्कुल क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास ऐसी डिमांड आई है कि इसके बिना भी ट्रेड होना चाहिए बिल्कुल होता है फ्रेंड्स मेरे पास रिक्वेस्ट आई है और उसी बेसिस पे मैं बना रही हूँ नो इंडिकेटर नो आर एस आई और मैं बिना आर एस आई के बना रही हूँ ये मैं क्यों बना पा रही हूँ चार्ट तो मैंने 1990 से किया है तब तो आर एस आई नहीं था रिंग टाइम में हम ट्रेड करते थे जिसको हम जॉबिंग कहते थे कुछ उसी से मिलता जुलता है स्टडी उसी से मिलती जुलती है उसके बाद जब ऑनलाइन आया तब भी मेरे पास चार्ट्स नहीं थे ऑनलाइन और ये तब की सिचुएशन है और इसे हम स्क्रीन रीडिंग कहते थे तो वही सिस्टम के ऊपर मैं ये आपको बता रही हूँ तो विदाउट आर एस आई भी ट्रेड होता है विदाउट मूविंग एवरेज भी ट्रेड होता है कुछ लगाने की जरूरत नहीं है एकदम सिंपल। स्ट्राइक रेट हमेशा ये मान के चलिएगा कि अगर आपको 70 के ऊपर कुछ भी मिल जाए इट इज अ बोनस नहीं तो 65, 70 इज द ब्यूटिफुल रेशियो और स्टॉप लॉसेस साथ में रखेंगे कड़क तो ओवरऑल नेट में प्रॉफिट रहेगा लॉस तो नहीं होगा और होगा तो भी मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि जिसकी वजह से हम अपना माइंड का बैलेंस खो दें पोजीशन भी कंट्रोल में लॉस प्रॉफिट भी कंट्रोल में जब मैं कहती हूँ लॉस प्रॉफिट भी कंट्रोल में तो माय फ्रेंड्स ऐसा होता है कि प्रॉफिट तो हमारे कंट्रोल में ही होता है क्यों क्योंकि हम प्रॉफिट तो फटाफट हिट कर देते हैं लॉस ही कंट्रोल में नहीं होता है तो सबसे बड़ी बात है लॉस भी कंट्रोल में सिस्टम फाइव मिनट का कैंडल देखेंगे टेन ए एम अब हम क्या करेंगे से एम के बीच में ये जो मूवमेंट आया था उसका हाई मार्क कर देंगे और लो मार्क कर देंगे ये हाई और लो हमने मार्क कर दिया निफ्टी में मुझे करीब करीब हाफ परसेंट का मूवमेंट चाहिए जो कि हंड्रेड पॉइंट्स है आज के हिसाब से और बैंक निफ्टी में आज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड पॉइंट्स है तो निफ्टी का हम लेते हैं रफली हंड्रेड पॉइंट्स और बैंक निफ्टी का टू हंड्रेड पॉइंट्स आप सोचते होंगे हंड्रेड पॉइंट्स टू हंड्रेड पॉइंट्स लोग तो यहाँ पे पचास पचास में काम कर लेते हैं वो स्कैल्पिंग होती है हम काम कर रहे हैं इंट्राडे और बिल्कुल पीसफुली आराम से काम करना चेहरे से पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो ऐसे टेंशन में आ जाएंगे तो पोजीशन भी टेंशन में आ जाती है पता है तो हाई और लो हमने नोट कर लिया दोनों के बीच का डिफरेंस सौ पॉइंट अगर निफ्टी है बैंक निफ्टी है तो दो सौ पॉइंट अप्रोक्सीमेटली अगर पचास पॉइंट का ही मूवमेंट आया है तो हम हाथ नहीं लगाएंगे निफ्टी में और अगर 100 पॉइंट का ही मूवमेंट आया है 100 सवा सौ पॉइंट का बैंक निफ्टी में तो हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्रेड करके हमें मजा नहीं आएगा एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स हमारे हाथ आने वाले नहीं है निफ्टी के ना ही एग्जैक्ट 200 पॉइंट्स हमारे हाथ में आने वाले हैं बैंक निफ्टी के तो इसलिए इतनी रेंज पे हम काम करेंगे तो फिर हमें चांस है कि हम ये थोड़ा प्रॉफिट बना लें अब जो हमने हाई और लो नोट किया है तो लेटेस्ट से इनके बीच में निफ्टी के बीच में आ गया हंड्रेड पॉइंट्स तो ऐसा हम कहें जस्ट फॉर एग्जाम्पल टू टू वन एट नाइन ये हाई है नाइन फिफ्टीन और टेन के बीच का एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम और टू टू ज़ीरो नाइन ज़ीरो लो है तो अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड पॉइंट्स हो गया अब जब हाई तोड़ता है तो मैं हंड्रेड पॉइंट्स ऊपर का टारगेट बनाती हूँ और अगर लो तोड़ता है तो मैं हंड्रेड पॉइंट्स नीचे का टारगेट बनाती हूँ स्टॉप लॉस जब स्टार्ट करती हूँ तो फिफ्टी पॉइंट्स थर्टी पॉइंट्स जो आपको ठीक लगे लेकिन रखिएगा जरूर फिफ्टी मैं वन इज टू टू पकड़ती हूँ इसलिए मैं फिफ्टी का रखती हूँ मतलब फिफ्टी अगर लॉस है तो हंड्रेड टारगेट है या हंड्रेड अगर टारगेट है तो फिफ्टी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और जितना मैं कम करूंगी उतना ही स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होने के चांस होते हैं तो जनरली मैं ऐसा रखती हूँ अब ये जो मूवमेंट आता है इसमें जैसे ही ये 50 ऊपर का क्रॉस कर जाएगा और ये 50 अप हो जाता है मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो अपनी बाइंग प्राइस है हाई ब्रेक करते ही, उसके थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ पांच या दस पॉइंट तो अब लॉस जो होगा तो बहुत ना के बराबर है और जैसे ही हंड्रेड पॉइंट्स क्रॉस किया तो क्या करते हैं अगर लगता है कि और ऊपर जाएगा क्योंकि सिर्फ लगता है गारंटी तो कुछ होती नहीं है पोजीशन जीरो या अगर आपने मान लो दो लॉट पे काम किया या चार लॉट पे काम किया तो तीन लॉट बुक कर लेते हैं एक लॉट रख लेते हैं तीन पॉइंट हाथ आ गए या समझो सत्तर पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो दो पॉइंट हाथ आ गए अब जो एक लॉट बचा है मेरे पास वो बहुत ही नॉमिनल के एस एल पे निकल जाएगा अल्टीमेटली लॉस तो नहीं होगा ना इस तरह से अच्छा 200 कैसे पकड़ा चार लॉट लॉट है ना एक के पीछे अगर 50 पॉइंट आए तो चार लॉट में 200 पॉइंट हो गए एक लॉट में 70 पॉइंट आए तो तीन लॉट में 200 पॉइंट हो गए इस तरह से वैसे ही अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो मैं नीचे का 100 पॉइंट पकड़ती हूँ हम लोग जब स्क्रीन ट्रेडिंग करते थे आई एम टॉकिंग अबाउट नाइंटी सेवन तब स्क्रीन uh, आ गई थी बोल्ट बीएससी का सिस्टम हुआ करता था नीट एन का वो टाइम पे फ्यूचर्स ऑप्शन कुछ नहीं होते थे हम स्टॉक्स में करते थे तो जो लिक्विड स्टॉक्स होते थे वो टाइम पे जैसे रिलायंस हुआ आईटीसी हुआ टाटा स्टील हुआ एसीसी हुआ इस टाइप के स्टॉक्स पे हम काम करते थे तो यही हमारा स्टाइल होता था कि मार्केट को अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फाइव मिनट्स टू वन आवर हम देते थे और स्क्रीन पर ही हम देख लेते थे कि हाई और लो क्या होता है और उसी बेस पे हम ये बना लेते थे अभी तो चार्ट्स होने के वजह से ते... हमारे पास अलर्ट्स भी आ जाते हैं सिस्टम भी आ जाता है हम बहुत कुछ डाल सकते हैं तो ये जो मैं बता रही हूँ ना ये सिस्टम जिनके पास चार्ट्स है ही नहीं या जिनको चार्ट्स देखना भी नहीं आता है वो भी इस सिस्टम को इस तरह से यूज कर सकते हैं और जिनको चार्ट्स देखना आता है या जिनके पास चार्ट्स हैं

अगर आप ये मेथड्स को करेक्टली अप्लाई करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को स्पॉट करना बहुत इजी हो सकता है ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ थ्री हंड्रेड में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो इमीडिएटली ओके okay? और फिर हम ट्रेड बनाते हैं तो चलिए हम इसमें ट्रेड समझते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी तो चलिए सबसे पहले हम आज की पोजीशन देखते हैं ये दस बज के और दस बजे हमने क्या किया ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमने ये हाई लाइन ड्रॉ कर दिया और ये लो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर अगर हम देखें तो टू टू थ्री जीरो सेवन और यहाँ पे हम देखें तो टू 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 वन जीरो अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड आ गए अब हम वेट करेंगे या अलर्ट डाल देंगे या एल्गो है तो एल्गो जो आपको ठीक लगे वो बनाइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और मैं पॉइंट्स रिड्यूस कर देती हूँ जिससे आपको स्लोली स्लोली देखने मिले ये देखिए जैसे ये टूटा ट्रेड एग्जीक्यूटेड इसमें मैं क्लोज वगैरह का वेट नहीं करूँगी बिकॉज इंट्राडे है और दस बजे के हिसाब से जो मैं हाई लो लिख देती हूँ फ्रेंड्स जनरली उसका टारगेट 12 बजे तक आ जाता है अगर नहीं आता है तो टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे एग्जिट करना है जी 12 बजे के बाद सिनारियो चेंज होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे ही पोजिशन स्क्वेयर ऑफ करो और फिर वापस से हाई और लो ड्रॉ कर लो और फिर वापस ऐसे करो अब कभी कभी तो ऐसे दो दो तीन तीन चांस भी मिल जाते हैं बट पहला चांस अगर प्रॉफिट का आ गया तो दूसरे चांस में क्वांटिटी आधी हो जाएगी और वो भी हो गया तो तीसरे में उसकी भी आधी हो जाएगी सेम केस लॉस में भी अगर पहला चांस लॉस हो गया और दूसरा चांस आप फिर करना चाहते तो quantity हो तो क्वांटिटी आधी होगी अगर वो भी लॉस हो गया तीसरी क्वांटिटी उसकी भी आधी होगी हमको लॉस रिकवर के हिसाब से नहीं चलना है सिस्टम के हिसाब से चलना है ओके okay? तो ये हमारा ट्रेड हो गया अब हमारा टारगेट क्या होगा तो ये हमने सौ पॉइंट लिया लेट से बाईस दो सौ आठ सौ सौ पॉइंट हम कर कर देते हैं कम हम बाईस दो सौ आठ के साथ बाईस एक सौ आठ के आसपास डाल देते हैं बाईस एक सौ साथ ही पकड़ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है थोड़ा कम ही ले ली लीजिए प्रॉफिट आपका और ये हमारा स्टॉप लॉस इसके जो हमने बाईस दो सौ आठ किया है उससे पचास रुपया ऊपर मतलब ट्वेंटी टू टू फाइव एट ट्वेंटी टू टू फाइव एट ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा रफ यहाँ पे इसमें हम अलर्ट डालते रहेंगे और सिस्टम में स्टॉप लॉस लेट स्टार्ट अगेन साढ़े दस ग्यारह ग्यारह अब ये इतना नीचे उतर के आ गया ऑलमोस्ट फिफ्टी पॉइंट के से ज्यादा नीचे उतर के आ गया अब हम जो क्या है मान लो इसमें हम दो चीज कर सकते हैं या तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इस स्टॉप लॉस को हमारे शॉर्ट प्राइस पे ले आएंगे जहाँ पे हमने शॉर्ट किया था अदरवाइज अगर हमने दो लॉट किए तो हम क्या करेंगे कि एक लॉट की प्रॉफिट बुक कर लेंगे जिससे ये जो स्टॉप लॉस का जो पचास रुपये हैं वो एज इट इज अगर मैं रखती हूँ तो ये मुझे लॉस नहीं देगा अगर मैं एक लॉट बुक कर लेती हूँ ये भी एक तरीका है इंट्रा में ट्रेड लेने का साढ़े ग्यारह बजने वाले हैं बारह बजे तक मैं अपना ट्रेड टाइम बेस पे काट दूंगी जो भी होगा एंड आई वेट फॉर फ्रेश मूवमेंट बारह बज के ट्रेड कट हाथ में कुछ आया पचास रुपये आ गए पहले पचास मतलब ओवरऑल पचास रुपये आ गए सी दस यू हैव टू गो विद द डिसिप्लिन यू हैव टू गो विद द डिसिप्लिन अब क्या हो गया ये लाइन हट गई और यहाँ पर अब ये मेरा डेली हाई और लो का हो गया गैप बड़ा हो गया कोई बात नहीं अब जिस साइड ब्रेक करेगा हम उस साइड काम करेंगे क्वांटिटी आधी ये देखिए जा रहा है नीचे गया ट्रेड हिट हुआ सिस्टम में डाल के छोड़ दीजिए स्टॉप लॉस सेल बोलते हैं इसे स्टॉप लॉस सेल आप डाल के छोड़ सकते हैं तो जैसे ही वो ट्रिगर होगा एक्टिवेट हो जाएगा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा अब ये डिस्टेंस कितना है वन ट्वेंटी और थ्री हंड्रेड मतलब करीब करीब 180 समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं 180 इसके नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वन ट्वेंटी माइनस वन कितना होता है तो कैलकुलेटर ले लीजिए नहीं चाहिए छोड़ दीजिए मैं तो देख रही थी कि सब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे यहाँ पे प्राइस रेंज है मेरे पास इसको यहाँ पे क्लिक किया कंप्रेस किया और यहाँ पे ले आई लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स इतना बड़ा तो मैं रिस्क नहीं ले सकती तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो ये जो स्विंग हाई जिसको हम कहते हैं ये होगा तो अब मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया लेट अस से 100 पे मेरा ट्रेड हुआ 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया और ये ज़्यादा है इसीलिए मैंने कहा था क्वांटिटी आधी क्योंकि 80 का स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हमारा 180 है तो है डबल लेकिन क्वांटिटी मैंने इसीलिए रिड्यूस कराई अगर वर्ष सिनारे हुआ तो मेरे पास पहले का लिया हुआ है मान लो हमने दो लॉट में काम किया जिसमें हमें पचास रुपये मिले क्वल टू वन एट्टी पर यूनिट अब यहाँ पे मैंने अस्सी रुपए का एस एल लगा दिया फिर से यह फिर से कर रही हूँ तो हमने दो लॉट का, का काम किया था लेटेस्ट से इन टू फिफ्टी जो प्रॉफिट मिली थी मतलब हंड्रेड रुपीज अभी मैंने एट्टी का एस एल लगा दिया और क्वान्टिटी कर दी आधी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एस एल हिट हो भी जाता है एक लॉट का एस एल हिट होगा अगर होगा तो राइट तो भी मेरे पास ट्वेंटी का प्रॉफिट बच ही जाता है घर से पैसा नहीं जाएगा हम क्वांटिटी डबल नहीं करते हम ऐसा नहीं सोचते कि आज का दिन बहुत अच्छा है बहुत लकी है हम क्वांटिटी आधी करते हैं बाकी हमें किसी चीज पे लक जो होता है वो कितने बजे और कितने मिनट पे चेंज हो जाता है वो बहुत कम ही लोग जानते होंगे मैं तो नहीं जानती और आप में से भी बहुत ही शायद ही कोई लोग होंगे जिनको ये पता है कि लक कितने बज के कितने मिनट पे चेंज होगा बट डिसिप्लिन और सिस्टम ये सब जानते हैं तो लेट्स मूव ऑन इसलिए रोका बारह बजे के बाद ट्रेड लिया है कितने बजे अप्रोक्सीमेटली पौने एक बजे मेरा लास्ट टाइम ऑफ द ट्रेड रहेगा 2:30। मैं 2:30 के बाद नया ट्रेड नहीं लेती तो अभी लेटर से नाइन टू ट्वेल्व तीन घंटे निकल गए हमें तीन घंटे नहीं हमें दो घंटे करीब ये ट्रेड को होल्ड करेंगे दो बजे खत्म जैसे दस से बारह बारह से अब कितने भी बजे ट्रेड आए दो बजे ट्रेड खत्म कर देंगे लेकिन दो के बाद नया ट्रेड लेना रिस्की है इसीलिए तो क्वांटिटी और भी आधी करवाई ताजुब होता होगा ना बट भाई इंट्राडे का पैसा है बहुत कड़क पैसा होता है इसे कहते हैं कड़क लक्ष्मी टू पे अपनी पोजिशन स्कोर ऑफ कितने पे किया था हमने सौ पे किया था लगभग समझो बाईस एक सौ कट हो गया साठ पॉइंट मिल गए इनफ तो अभी तक हमने कितना पॉइंट इकट्ठा किया सौ पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा कर लिया फिर दो लॉट पे और एक लॉट पे साठ पॉइंट राइट तो हमने अभी तक कितना जमा कर लिया वन सिक्स जीरो अब देखते हैं फिर क्या होता है अब हम अगर हमारे पास है तो भी हम सिर्फ एक ही लॉट ट्रेड करेंगे इससे ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो जो चार करते थे वो दो कर सकते हैं दो के बाद एक कर सकते हैं बस इस तरह से अब ये सब मैं डिलीट कर दूंगी ये भी डिलीट कर दूंगी ये भी डिलीट कर दूंगी और ये रेंज बन गया यहाँ तक का ये काफी बड़ा रेंज हो गया बाईस हजार और बाईस हजार तीन सौ तीन सौ पॉइंट का रेंज है इतना बड़ा तो हमने कमाया ही नहीं हम रिस्क कैसे ले सकते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास स्विंग हाई जो है वो ये इधर है टू टू जीरो एट जीरो अगर ये नीचे जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके नीचे मतलब बाईस हजार अस्सी पॉइंट हम दे रहे हैं हमारे पास आया कितना 160 एक लॉट पे काम करेंगे और अगर 80 पॉइंट देना भी पड़ गया तो भी हम 80 पॉइंट तो एक लॉट के पीछे घर ले जा सकते हैं सिर्फ हम एक ही लॉट गिन रहे हैं बिकॉज बाकी सब तो हमने कैलकुलेशन करके 50 50 के हिसाब से जो 100 पॉइंट निकाला था वो एक लॉट के हिसाब से गिनते तो 100 पॉइंट मतलब कुछ पैसा घर जाएगा ही जाएगा राइट चलिए अब देखते हैं कौन से साइड ये तोड़ता है हाई तोड़ता है कि लो तोड़ता है स्टॉप लॉस सेल और स्टॉपलॉस बाई इसके ऊपर तो बहुत दूर है बाद में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी दो बज चुके हैं ये देखिए अभी ये मतलब उसका एक सौ साठ डबल कर देते हैं हम तो यहीं से हम लेंगे इसको और देखिए इसको जब मैं करती हूँ ना तो पॉइंट आता है दिख रहा है आपको माइनस हंड्रेड एंड वन टन तो अस्सी का एक सौ साठ ये हाँ आ, आ रहा है बिल्कुल दिमाग मत लगाइए अपने आप सिस्टम जाता है ओके बट ध्यान रखिएगा ऑलरेडी हम टू फोर्टी पे आ गए हैं हमारे पास एक घंटा नहीं है हमारे पास मैक्स टू मैक्स फोर्टी मिनट्स और है पोजीशन घर नहीं जानी चाहिए ओके या तो ये स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी होगा हार्ट बीट्स बढ़ती है लेकिन स्टडी की तरफ कंसंट्रेट कीजिए जो मार्क किया हुआ है उस पे नजर रखिए उसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे तो ये जो पोजीशन थी यहाँ पे 325 पे ही हमारी पोजीशन जो भी होगी लेट्स से हमने टॉप पे ही काट दिया 967 तो भी 25 30 रुपए आए होंगे कुछ नहीं आया होगा गया तो नहीं सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई और स्ट्रेटजिकली चले अब सेम चीज मैं इसी में आपको रैंडमली जहाँ कहें वहीं बैक टेस्ट करवा देती हूँ ये लीजिए 940, 945, 955, 910 तो ये ये हमारा टेन ओ क्या करेंगे हाई टू टू फोर नाइन वन लो टू टू थ्री सेवन फोर सौ पॉइंट है बिल्कुल है इसको थोड़ा सा और ऊपर हाँ तो देखते हैं कौन से साइड जाता है वही साइड पे फिर हम ट्राई करेंगे जब तक ट्रेड नहीं आएगा नहीं स्टॉप लॉस सेल हो गया ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस सेल तो अब मैं फिफ्टी पॉइंट्स जैसे बात करती हूँ ये फिफ्टी पॉइंट्स है हाँ तो लेट्स में तो फोर हंड्रेड एंड टेन हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो फोर फिफ्टी पॉइंट रिमेम्बर मैंने वही कहा था ना आपको फोर हंड्रेड एंड टेन चलिए यहाँ पे रख लेते हैं और सिस्टम में हम डाल देंगे फोर हंड्रेड एंड टेन लेट्स कंटिन्यू अगर दो लॉट हो गया हमारा टारगेट क्या एक्सपेक्टेड है कल यहाँ से ये लिया तो हमने क्या किया है पचास पॉइंट के इधर स्टॉप लॉस डाल दिया है कंटिन्यू करते हैं और टारगेट हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे नाउ हमारे पचास पॉइंट यहाँ पे आ गए थे अगेन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ही आ गए थे हमारे पचास पॉइंट रफली हमने कितने पे बेचा था सिक्सटी थ्री तो यहाँ पे हमारे पचास पॉइंट आ गए अब यहाँ पे हम हाफ पोजिशन बुक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे ओके कंटिन्यू बारह बजे पोजिशन हो जानी चाहिए, वो ध्यान रहे सिस्टम बारह बजे पे हम ट्रेलिंग नहीं करेंगे एक बार ट्रेड क्लोज मतलब क्लोज और वैसे भी वी आर ऑलमोस्ट एट इलेवन थर्टी फाइव ट्रेड क्लोज अब हम क्या करेंगे इन सबको डिलीट कर देंगे और फिर अब हम ये हाई बनाएंगे और ये लो ओके okay? अगर ये लो टूटता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमने कितना पैसा कमाया लेट से हमने सत्तर रुपए कमाए जो भी है अगर आपने फिफ्टी परसेंट बुक कर लिया या ट्रेन किया तो सत्तर अस्सी रुपए कमाएंगे इससे ज्यादा नहीं हाथ जाता है मैं भी जानती हूँ तो लॉट भी आधी कर दी लेकिन सत्तर अस्सी रुपये मुझे खोना नहीं है दो लॉट पे कमाएंगे एक सौ साठ फिर भी मुझे पैसा पूरा खोना नहीं है तो क्या करना है चालीस पचास पॉइंट हम यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस अगर ये प्राइस के तोड़ता है टू टू फाइव तो टू सेवन फाइव टू सेवन फाइव करीब करीब यहाँ आता है यहाँ पे अगर यहाँ तोड़ा तो ही हम ट्रेड करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे आराम से बैठ के देखिए कोई जल्दी नहीं है हमने सिस्टम में डाल दिया है ट्रेड शॉर्ट मतलब स्टॉप लॉस शॉर्ट वी विल नॉट डू एनी थिंग वी विल जस्ट वेट एंड वॉच बट टू थर्टी के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे नहीं ले तो अच्छा है ले लेते हैं कोई बात नहीं है ले लो लेकिन टाइम हमारे पास थ्री फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी फाइव तक की ही है देखिए मुझे नहीं मालूम होता है कि ये साइडवेज जाएगा कि क्या है लेकिन अगर मैंने टारगेट पे मैंने कट नहीं किया होता तो क्या होता ये है ना ये पोजीशन हमको परेशान कर दिया होता और हम वो ट्रेडिंग खुजली वाली जो बात होती है ना अब ढाई बज गए ट्रेड आएगा तो भी तीन बज रहे हैं मैं नहीं करूंगी आए या ना आए मैं नहीं करूँगी खत्म देखो नहीं दिया ना ट्रेड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्क्रीन रीडिंग जो हम लोग किया करते थे नहीं होता है। भी होता है। मेरे से एक है जो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ हिट होता है ऐसा कुछ नहीं है ये मत सोचिए स्टॉप लॉस हिट नहीं होता चलिए यहाँ पे आते हैं और 10 बजे ये हमारी 10 की हाई कैंडल है ये वाला हाई ये हाई ये लो फ्रेंड्स आई डोंट थिंक ये एग्जीक्यूट हो मैंने नहीं किया है ये मेरा ट्रेड नहीं था इसलिए आई डोंट थिंक ये एग्जीक्यूट हुआ होगा ये वाला मैंने नहीं किया इसलिए अगर किया होता तो मुझे याद था दो मुझे याद थे ये मुझे याद नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं मैंने शायद नहीं किया है तो ये जो है ब्रेकआउट दे दिया ओके अभी इसका डिफरेंस कितना है इसका डिफरेंस है 282 179. सेवेंटी सौ पॉइंट है 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कितना है ये हाई 285 एटी फाइव टू थर्टी हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट यहाँ से ये लीजिए ये बनाइए अब ये 12 के बाद आता है तो हमें क्या करना है तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 2 बजे तक का टाइम लिमिट है ये जैसे 12 बजे क्या ग्यारह पे है जो 20 मिनट में तो हमको टारगेट अचीव नहीं होगा तो हम दो घंटा तो मिनिमम पकड़ लेते हैं तो रफली अराउंड अबाउट जैसे हमारा अब ये ट्रेड हुआ है 11:45 तो दो बजे तक का पकड़ लीजिए ठीक है और फिर उसके बाद देखिए टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ क्या 50 पॉइंट्स अचीव हुए यहाँ पर आया 50 पॉइंट्स अचीव हुए बिल्कुल हो गए तो हाफ पोजिशन कट या फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर दोनों में से कुछ तो हुआ है और क्या हुआ फिर टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ ट्रेलिंग एसेल? हिट लॉस नहीं हुआ बस यही है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो घर दो पैसा लेके जा सकते हैं राइट दो पैसा मतलब ये पुरानी कहावत है चार दिन की जिंदगी दो पैसा ये सब ओल्ड से ना चलिए सेम चीज़ क्या बैंक निफ्टी में होती है वहां भी देखते हैं आप फ्यूचर्स चाहे फ्यूचर्स ट्रैक करिए कैश चाहे कैश ट्रैक करिए और इसी के बेस पे आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं सेम चीज़ कोई भी डेट का ले लीजिए चलिए हम यहाँ का लेते हैं नाइन फिफ्टी टेन तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है ये तो एज इट इज़ है एकदम क्लियर कट ट्रेड था और पैसा दे के गए राइट और बारह बजे तक इसकी सिचुएशन टारगेट आते ही पोजिशन कट तो इसको हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना चाहिए ये दिख रहा है अभी लेकिन अभी तो दिख रहा है मुझे बताइएगा आप लोग को क्या एडवांस में ऐसा दिखता है पहले से ही लो हाई क्या 200 पॉइंट का फर्क है सिक्स डबल वन थ्री सेवन टू हो गया 200 पॉइंट चलिए अब इसको रिप्ले करते हैं लेकिन उसके पहले हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ हो गया ट्रेड लेटर से थ्री फिफ्टी थ्री सिक्सटी पे या थ्री फिफ्टी पे हम इसका करते हैं तो सौ पॉइंट क्योंकि दो सौ का है ना थ्री फिफ्टी के हिसाब से हम फोर फिफ्टी का हमारा एस एल लगेगा और टारगेट जैसे ही टारगेट आएगा हम क्या करेंगे पोजिशन स्क्वायर ऑफ हमारा सिस्टम जो है हम सिस्टम से पीछे नहीं जाएंगे ओके चलिए एग्जीक्यूट हो गया टारगेट भी अचीव हो गया स्टॉप लॉस हमें शिफ्ट करना था अचीव हो गया टारगेट ट्रेड क्लोज ओके ये बंद ये बंद अब हम क्या करेंगे ये हटा देंगे ये भी हटा देंगे और न्यू हाई लो मार्क कर देंगे तो ये हमारा न्यू लो अब हमारा रेंज भी बढ़ जाता है इतना बड़ा तो फिर हम स्टॉप लॉस ले नहीं सकते भले ही कितना भी हो कितना है 481, 481 यहाँ दिख रहा है ना माइनस फोर इतना बड़ा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में ये जो है स्विंग हाई ये पकड़ लेंगे ठीक है तो अप्रॉक्सीमेट वो भी सो एक पॉइंट होता है इट्स ओके वी कैन मूव अहेड विथ हंड्रेड पॉइंट्स और हमारा जो टारगेट है इसको नीचे लाना तो बड़ा अजीब सा लगता है डर भी लगता है कि होगा कि नहीं होगा बट देखते हैं और हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है एस एल हिट हुआ नहीं हुआ आपका पहला ये सिस्टम स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा दो सौ पॉइंट पे कट करना चाहें बिल्कुल शौक से सिस्टम मेंटेन करना है 200 पॉइंट का तो 200 पॉइंट पे कट कर लीजिए फिर वापस आपका वही सिस्टम हो जाएगा यहाँ से यहाँ इसको कट ये सब कट और फिर आप वापस से ये लो और ये हाई ड्रॉ करेंगे ओके okay? हाई आपके पास है लो आपके पास है अब जब तक ये लो नहीं टूटे आप ट्रेड नहीं करेंगे उसके बाद हम वापस सौ पॉइंट ऊपर दो पॉइंट नीचे तो यहाँ पे अगर टूटता है एट वन ज़ीरो तो इसके बाद इसका हाई बना है एट फिफ्टी एट नहीं हुआ हमारा एस एल एट और सिक्स सिक्स नाइन तो ये था एट हंड्रेड एट हंड्रेड और ये सिक्स सिक्स ज़ीरो बस तो मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ तो शायद हमने बुक भी नहीं किया होगा स्टॉप लॉस हमने ट्रेड कर लिया जो कि खत्म हो गया दो ट्रेड तो निकाल ही लिए ना अगर मैं कहूँ कि बीस दिन में से दस दिन आपके हो गए बारह तेरह दिन आपके हो गए सात आठ दस दिन आपके नहीं है उसमें से शायद हो सकता है एक दो दिन तो ऐसे हो कि मार्केट ने 200 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी ने दिया ही नहीं है सवा नौ से दस के बीच में तो फिर वो दिन तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं ऐसा नहीं है कि हम 200 पॉइंट का वेट करेंगे अगर दस बजे तक मूवमेंट नहीं दिया है फॉरगेट बाद में चाहे कोई भी मूवमेंट दे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये मुझे सिखाया गया था जब मैं ऑनलाइन स्क्रीन देख के ट्रेड किया करती थी कि मार्केट ने अभी तुमको मौका नहीं दिया ना भूल जाओ ये किसी भी साइड जाएगा कुछ भी करेगा आज तुम्हारा दिन नहीं है ट्रेड नहीं करना है मतलब मार्केट को अगर मूवमेंट देना होता है तो वो ओपनिंग के टाइम पे जो आधा एक घंटा मिलता है ना उसमें एक अच्छी सी फ्लक्चुएशन देता है और वो फ्लक्चुएशन अप्रोक्सीमेट अगर हम स्टॉक भी पकड़ते हैं या तो लगभग एक से डेढ़ टका दो टका तक मिल जाता है अगर वो जो दो परसेंट है तो उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं लिक्विड स्टॉक्स में इसको ट्राई कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं और मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो यही आई थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर एनी ऑसिलेटर तो मैंने आपसे वो चीज़ शेयर की है जो मैं 96, 97 में जब ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल आया ही था तब मैंने ये सीखा था वो चीज़ आपसे शेयर किए ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती है फ्रेंड्स आपको मुझसे क्या सीखना है कमेंट बॉक्स में डालिए मैं उनको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और जो ओल्ड ट्रिक्स है रिंग टाइम की रिंग के बाद जो डेवलप की गई थी वो आज भी चलती है और वो डिसिप्लिन वाले लोग हैं वो लोग डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे अरे कितनी बार तो उन्होंने खुद ही मेरे को ऐसे टपली मार मार के सिखाया है पता है पता कि क्या कर रही है, जूती। दिसिप्लिन दिसिप्लिन दिसिप्लिन। रूल पैसा गया। ऐसा है। आज रूल तोड़ा अरे एक ऐसा भी करते थे मेरे साथ में आज रूल तोड़ दिया ना कल ट्रेड नहीं करेगी ये तेरा पनिशमेंट है रूल क्यों तोड़ा अंकल जी ऐसा नो दिस इज द पनिशमेंट आज रूल तोड़ा कल नो ट्रेड क्या आप भी ऐसा डिसिप्लिन रखते हैं बताइए मुझे और नहीं रखते हैं तो रखने की कोशिश कीजिए और जब पनिशमेंट मिलता है स्क्री... अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन अच्छा के सामने बैठाते थे और ट्रेड नहीं करने देते थे बोलो तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है अगर नहीं होता है एक बार ट्राई करके देखिए ट्रस्ट में डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप बन जाएगा स्क्रीन के आगे बैठ के ट्रेड नहीं करने को मिले उससे कड़क तपस्या तो है ही नहीं मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मार्केट में मूवमेंट चल रहा है और एज अ पनिशमेंट मैं स्क्रीन की आगे ऐसे बैठे देख रही हूँ बिल्कुल इस तरह से कि पता नहीं आज ही मैं करोड़पति बन जाती वैसा वाला फेस बना के बैठी हूँ बट उनको दया नहीं आती थी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो जो मैंने सीखा था और वो जो मेरे साथ हुआ था आज मुझे काफी फ्रूटफुल है बहुत मजा आता है और मेरा डिसिप्लिन भी स्ट्रांग हो गया और ये चीजें तो मैं सिखाती रहती हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये कैसा लगा और जो सीखना चाहें तो फ्रेंड्स और तो कोई जरिया है नहीं आपका हमारा बात करने का लाइक करेंगे तो इसका भी एडवांस टॉपिक बना दूंगी ऐसे बहुत से ट्रिक्स है मेरे पास रिंग की और जब रिंग बंद हुआ ही था तब मैंने बहुत कुछ सीखा था इन लोगों से सब बड़े बड़े ब्रोकर लोगों के साथ मैंने काफी कुछ सीखा था तो वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर दूँगी कोई बड़ी बात नहीं है बट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो करूँगी ना जब आप लिखोगे नहीं पूछोगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू